हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उपचार नुस्खे में। हम उपचार नुस्खे चैनल में रोजाना एक लेटेस्ट वीडियो अपडेट करते हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप उपचार नुस्खे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे आपको हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। 12 दिसंबर 2020 मांगशिर मास शनि प्रदोष व्रत करना न भूले ये एक काम। शास्त्रों के अनुसार प्रत्येक माह के दोनों पक्षों शुक्ल और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को रखा जाने वाला व्रत प्रदोष व्रत कहलाता है। इस दिन भगवान शिव की आराधना प्रदोष काल में करना लाभकारी होता है। शिव पुराण के अनुसार प्रदोष व्रत में शिव पूजा प्रदोष काल यानी कि शाम के समय करने से भगवान शिव जल्द ही प्रसन्न होकर सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। मांगशिर मास का पहला प्रदोष शनिवार के दिन है, इसीलिए यह शनि प्रदोष होगा। आज हम आपको साल 2020 शनि प्रदोष व्रत की शुभ तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, शिव पंचाक्षरी मंत्र और शनि प्रदोष के दिन किए जाने वाले महा उपाय के बारे में बताएंगे। शनि प्रदोष व्रत तिथि शुभ मुहूर्त 2020। साल 2020 में मांगशिर कृष्ण त्रयोदशी प्रदोष व्रत 12 दिसंबर शनिवार के दिन रखा जाएगा। प्रदोष व्रत की पूजा का शुभ मुहूर्त होगा 12 दिसंबर शनिवार सायंकाल 5:25 से लेकर 8:09 तक। त्रयोदशी तिथि आरंभ होगी 12 दिसंबर शनिवार प्रातःकाल 7:02 पर। वहीं त्रयोदशी तिथि समाप्त होगी 13 दिसंबर प्रातःकाल 3:52 पर। शनि प्रदोष पूजा विधि। शनि प्रदोष के दिन प्रातःकाल स्नान के बाद व्रत का संकल्प लेकर भगवान शंकर माता पार्वती को पंचामृत व गंगा जल से स्नान कराकर सभी पूजन सामग्री जैसे बेलपत्र, अक्षत, फल फूल, धूप दीप, नैवेद्य, पान सुपारी, लौंग, इलायची आदि चीजें अर्पित करें। प्रदोष काल अर्थात शाम के समय भगवान शिव को पुनः पंचामृत से स्नान कराकर सभी पूजन सामग्री व बिल्व पत्र अवश्य अर्पित करें। अब उनके समक्ष दीपक जलाकर शिव पंचाक्षरी मंत्र नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। शनि प्रदोष के दिन शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए पूजा में उन्हें काले तिल, काला वस्त्र, तेल, उड़द, उनके सभी प्रिय चीजें चढ़ाना बहुत ही शुभ होता है। प्रदोष व्रत उद्यापन विधि। शास्त्रों के अनुसार प्रदोष व्रत का उद्यापन पूरे विधि विधान से अवश्य करना चाहिए, इससे व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। प्रदोष व्रत का उद्यापन त्रयोदशी तिथि के दिन ही करना शुभ होता है। उद्यापन से पहले श्री गणेश जी की पूजा करें। त्रयोदशी के दिन प्रातःकाल स्नान के बाद ओम उमा सहित शिवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर हवन कर लें। हवन पूरा होने के बाद भगवान शिव की आरती और शांति पाठ करें। इसके बाद ब्राह्मण को भोजन कराकर उद्यापन की विधि पूरी करें। शनि प्रदोष महा उपाय। प्रदोष व्रत भगवान शिव व माता गौरी को प्रसन्न करने के लिए सबसे उत्तम दिन माना गया है। वहीं अगर यह शनि प्रदोष हो तो इस दिन का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान शिव के साथ साथ शनि देव का पूजन व उपाय करने से व्यक्ति का भाग्य चमक जाता है। तो आइए जानते हैं शनि प्रदोष के दिन किए जाने वाले उपाय क्या है। शनि प्रदोष के दिन संभव हो तो कम से कम एक माला शनि मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए, इससे व्यक्ति को शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है। शनि प्रदोष के दिन पीपल वृक्ष को जल देकर परिक्रमा करने से शनिदेव जल्द ही प्रसन्न होकर भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। आज के दिन हनुमान जी की पूजा करने से व्यक्ति को व्रत का दोगुना फल प्राप्त होता है। शनि प्रदोष के दिन तांबे के लोटे में जल लेकर उसमें काले तिल डालकर शिवलिंग पर अर्पित करें। इस उपाय से शनि से मिलने वाले कष्ट दूर हो जाते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये सभी जानकारियाँ पसंद आई हो तो आप उपचार नुस्खे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें।